असलम माई सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस जबान से होंगे खुशपाश होंगे चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो तो आजकल वैसे सबके गले खराब हैं और सबको खांसियां लगी हुई है तो बहुत एहतियात कीजिएगा मेरा भी गला खराब है और काफी दिनों से आप लोग इस चीज को बियर कर रहे हैं पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा बहरहाल आज का जो रनडाउन है वो आपके साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद पहले खबर से शुरू करूंगी तो आज मैंने आपके साथ तकरीबन पांच पॉइंट्स जो है वो शेयर करने हैं सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब का डांस सत्ताईसवीं रमज़ान को वायरल हो गया है और उसके ऊपर क्या बातें हो रही हैं लोग क्या लान तान कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे इसके अलावा आपको मैंने बताना है कि अली अमीन गंडापुर का दिमागी तोज़ुन तौर पे खराब हो चुका है ऐसा क्या हुआ है उनके साथ क्या कहा लाहौर हाई कोर्ट के जज से बदतमीजी करने पे वकील को गिरफ्तार कर लिया गया है कितने माह की सजा हुई है उसके पर बात करेंगे इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि सनम जावेद और आलिया हमजा अजीबो लिबास पहनकर अदालत में पेश हो गई क्या मामला था ऐसा क्या था उनके लिबास में कि लोगों ने बहुत लान तान की उसके पर भी बात करेंगे तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से सबसे पहली खबर आपके साथ शेयर करती हूँ और जैसा कि आप लोगों को कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि सोशल मीडिया के ऊपर सनम जावेद की जो बहन है फलक जावेद उनकी कुछ नाजेबा तस्वीर जो हैं वो सर्कुलेट हो रही थी उन तस्वीर की क्या हकीकत थी क्या सदाकत थी वो कब बनाई गई थी कैसे बनाई गई थी उसके लिए तो आप मेरा व्लॉग देख सकते हैं प्रीवियस वाला उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन की थी तो सनम जावेद जो है उन्होंने कहा कि मैं पीछे क्यों रह जाऊं लिहाजा उन्होंने जनाब क्या किया कि इमरान खान के चेहरे वाला जो कुर्ता था वो पहना और वो सामने आ गई लेकिन बातों में ना वो पहले जैसी बात थी ना वो पहले जैसी धमकियां थी ना वो डर्टी हैरी की धमकियां थी और ना वो ये कहने वाली बातें थी कि जनाब हम तो हारेंगे नहीं और हम टूटेंगे नहीं हालांकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो अपनी बात को ओवरकम करें लेकिन बातों से इंसान अंदाजा लगा ही लेता है कि ये बंदा अब इस वक्त किस कंडीशन में है तो सनम जावेद जो थी उनका कहने का मकसद ये था कि अब बहुत हो गया कभी वो कह रही थी कि जेल के अंदर मच्छर हैं कभी वो कह रही थी कि जेल के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं गर्मियां आ गई हैं कीड़े आते हैं यानी कि वो कीड़े भी काटना शुरू हो गए हैं वो मच्छर भी काटना शुरू हो गए हैं और वो साथ में अपने वकला के ऊपर नाला भी थी भाई क्यों नहीं मुझे अभी तक छुड़वा रहे तो मैंने आपको पहले, पहले बता दिया कि नौ मई में, में जो मुल्विस लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा जिन बीस लोगों को छोड़ा गया था वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस बात पर भी मुझे शावश दीजिए कि वो खबर सबसे पहले मेरी हदहुदा आपके पास लेकर आई थी और वो खबर बाद में टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आई और बाद में आकर वो आपने अखबार के अंदर पढ़ी और वो उनको क्यों छोड़ा गया था जज्बा खैर से गाली के तहत छोड़ा गया था और वो वो लोग थे जो नौ मई को वहां मौजूद थे लेकिन किसी किस्म की तोड़ फोड़ में किसी किस्म के मामला के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे हाल बता उनकी नियत जो भी थी तो उसके बिना पर उनको इतनी लंबी सजा हुई कि उन्होंने एक साल काटा लेकिन अगर सनम जावेद जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि वो छूट जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि छूट जाएंगे वैसे कोई पता भी नहीं होता खदीजा शाह को भी तो छोड़ा था ना मगर खदीजा शाह के बारे में भी मेरी हदहुद ने यही बताया था कि उनको भी इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि वो नौवे वाले दिन वहां मौजूद थी उन्होंने लोगों को इकट्ठा भी किया था लेकिन तोड़ के अंदर शामिल नहीं थी बहरहाल रिलीफ तो उनको भी नहीं मिलना चाहिए था मैं तो इस चीज़ को भी कहती हूँ लेकिन सरम जावेद क्या फरमा रही है जरा सुन लीजिए मुझे ये बताएं साढ़े दस महीने कितना बात कर लेते हैं जी हम अली अमीन गंडापुर की अली अमीन गंडापुर जो है वो जब से पिशावर कोर कमांडर हाउस से होकर आए हैं तब से उनकी याददाश्त खो गई है वो अपना जहनी जो है वो खो बैठे हैं उसकी वजह क्या है क्योंकि अली अमीन गंडापुर वो शख्सियत है जो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि गाड़ी के अंदर जो ममनुआ चीज़ें लेकर जा रहे थे बाद में उन्होंने कहा था ये तो शहद है वो शहद का उनके ऊपर कोई ऐसा असर हो गया है कि वो अली अमीन गंडापुर जो इमरान खान से डिक्टेसन लेकर रियासत को धमकियाँ दिया करते थे वो अली अमीन गंडापुर जो ये कह रहे थे अभी आज से कुछ दिन पहले कि हमने तमाम जो सूबों के वज्रा आला है उनसे मुलाकात नहीं करनी वो अली अमीन गंडापुर जो कह रहे थे वजीर अजम से मुलाकात नहीं करनी फिर आपने देखा कि वो वजीर अजम के साथ भी बगल गिर हुए फिर आपने देखा कि वो तमाम वज़रा आला से भी जाकर मिले उसके बाद इमरान खान ने दोबारा उनकी पेशी मतलब करवा ली और इमरान खान ने उनको कहा कि भाई सख्त बयान जारी करो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई और उसके बाद उन्होंने सख्त बयान जारी कर दिया लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ अली अमीन गंडापुर जा पहुंचे कोर कमांडर हाउस पिशावर के वहां पर जाके उनके साथ रफ्तारी भी की और उनकी तारीफें भी की और उनको सैल्यूट भी किया फिर बाद में ये लोग मुकरते फिरे फिर साबित हो गया कि ये लोग वहां गए भी थे क्या करने गए थे क्यों गए थे वो तो मैं आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में बता चुकी हूं लेकिन अपना जहनी वो इस तरह से खो बैठे हैं कि उस दिन से लेकर आज तक ना कोई सख्त बयान दे रहे हैं ना रियासत को धमकियां दे रहे हैं ना कह रहे हैं ओ ए, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा मैं तुम्हारा वो कर दूंगा ना उस दिन से ये कह रहे हैं कि जी मेरी मुलाकात इमरान खान से करवाई नहीं जा रही वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा और मजेदार बात यह है कि इंसान के बच्चे बन के बिल्कुल डिफरेंट होलिये के अंदर गोल्फ खेल रहे हैं कभी क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है वीडियो तो उसके बाद से जो पीटीआई के अंदर के लोग हैं उन्होंने अलीमिंग गंडापुर को भी जो है ना वो इस लिस्ट में शामिल कर दिया कि ये भी अब एस्टेब्लिशमेंट का बंदा बन चुका है जो भी जाकर मिलता है वो फिर ट का बंदा बन जाता है हालांकि भेजने वाले कौन है इमरान खान खुद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि तीन रिटायर्ड जनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब और अब की बार अगर थोड़ा सा नरम गोशा उनके लिए समझ लीजिए कि उनको कर ही दिया गया तो उसके बावजूद अब जो खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के आसिम मुनीर के खिलाफ गंदी गंदी बातें की हैं उनका डायरेक्ट नाम लिया है उनके ऊपर इल्जाम आयद किए हैं उसके बाद जो कहते हैं ना पीछे कोई कसर बाकी नहीं रह गई और उस कसर को अब आने वाले दिनों में उनको भुगतना पड़ेगा। बाराल चलते हैं जी। इससे है मतियला <laughs> जान की मतउल्ला जान एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे भी तंग हैं और उनसे दूसरी जमातों वाले भी तंग हैं अब शहजाद अकबर जो है ना उन्होंने मतउुल्ला जान के बारे में कुछ और इनकशाफात कर दिए जी जिसमें उन्होंने बल्कि क्या कहा है मैं आपको क्या बताऊं आप खुद सुनिए कि शहजाद अकबर जान के बारे में क्या कह रहे हैं मतउुल्ला जान एक सहाफत का एक ऐसा है जो मैं उसको अक्सर कहता हूँ ड्रामा होता था अंकल क्यों उसमें बना था मस्ताना और वो हर चीज पे नाराज रहता था उखड़ा उखड़ा रहता था और हर बंदे के वो गले पड़ जाता था तो ये मतिल्ला जान का है ना आई आई पर्सनली डोंट माइंड क्योंकि में रहे मतउल ने जिंदगी तंग की हुई थी एंड जो आप सियासत में होते हैं आपकी एक थिक चमड़ी होती है आप इस चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं ये रवायत होती है जो हमारे भाई लोग हैं ना कंपनी के साहिबान उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो उनको उठाने वाले तो वो लोग थे जिस दिन मती को उठाया गया मैं बता रहा हूँ बार बार कि भाई वो कंपनी वालों ने उठाया ये जब उनको उठाया गया तो पुलिस से मैंने तो स्ट्रेट अवे उस वक़्त के आईजी को बुलाया और उससे पूछा कि ये किसने किया है तो थोड़ा सा जब मैंने उनकी सख्ती की तो उन्होंने बता दिया कि सर मेरा ना ना लेना इस तरह है और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी यकीन करें इतनी इतनी भोंडी वो वारदात थी अच्छा जी आपने सुन लिया कि मतीउल्लाह जान के बारे में क्या कह रहे हैं मुझे ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है अब मैं आपको बताती हूँ जी लतीफ़ खोसा लतीफ खोसा वो शख्सियत है जिनको बहुत बड़ी तादाद में वोट पड़ा है किसके मुकाबले में ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में अब सोचिए कि क्या लोगों की जहनी गिरावट है कि वो ख्वाजा साद रफीक जो इंतहाई सुलझे हुए पढ़े लिखे और एक ईमानदार आदमी है अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्योंकि मेरी हदहुद ने मुझे एक खबर दी है हदहुद ने मुझे बताया कि कहने वालों ने और ऑफर करने वालों ने ख्वाजा साद रफीक को ये ऑफर की थी कि आप बताइए हम आपको जितवा देते हैं लेकिन ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अगर लोग खुद अपने लिए फैसला नहीं कर सकते और लोग मुझे खुद सपोर्ट नहीं कर सकते तो मैं किसी की बेसाखियों के ऊपर आगे नहीं आऊंगा ख्वाजा साद रफीक हार गए उन्होंने खुश दिली के साथ अपनी हार को कबूल किया ना सिर्फ ख्वाजा शाद रफ़ीक ने कबूल किया बल्कि राना सनाउल्ला ने भी कबूल किया खवाजा सदर रफ़ीक के साथ फिर क्या हुआ वो तो आपको पता है लेकिन जो लतीफ़ खोसा अंकल हैं वो तो जीत गए मगर जीतने के साथ उन्होंने भगड़े डाले उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया और अब वो कैदी नंबर 804 वाले गाने के ऊपर डांस कर रहे थे अभी एक शो के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया सत्ताईसवीं रमज़ान को वो डांस कर रहे थे तो आप देख रहे हैं कैसे लतीफ़ खोसा जो है वो डांस कर रहे हैं अब इसके बाद क्या बात रह जाती है अब डिफेंस वाले भी भुगतेंगे कैंट वाले भी भुगतेंगे जितने भी हल्के थे वो जहां से वो जीते हैं वो सारे भुगतेंगे अब वो जब लतीफ खोसा से पूछा करेंगे ना कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है तो वो कहेंगे परफॉर्मेंस मैंने करके तो दिखाई है ये कम परफॉर्मेंस है कि मैं खान के लिए कैदी नंबर आठ के ऊपर जो है वो नाचाऊ और साथ में वो भी जिसको पकड़ के ले गई थी पुलिस जिनका वो स्कैंडल भी आया था कि कैदी नंबर आठ क्यों गया उसने इसी को कैश कराना शुरू कर दिया मतलब फपतियां कसना कह कहे लगाना डांस करना मैं डांस को बुरा नहीं कह रही ठीक है जी एक फन है आपके पास करिए आप। हो, होता हो जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ आर्ग्यू करता हो और शाम को आगे वो डांस करना शुरू कर दे <laughs> वो कैसा लगेगा सोचे आप इसके साथ एक और बहुत ही दर्दनाक वाक्य पेश आया उस वाक्य के हवाले से बात कर लेते हैं जिना बजोड़ के अंदर तरीके इंसाफ के जो गुल जफर हैं उनके जलसे के अंदर फायरिंग हुई और एक कारकुन जो है वो फौरन मौके पे ही जो है वो फात पा गया और अब सवाल क्या पैदा होता है कि तरीके इंसाफ ने उसकी लाश के ऊपर भी सियासत करना शुरू कर दी वही सियासत जो उन्होंने जिले शाह की लाश के ऊपर की थी उसकी मौत के ऊपर की थी फिर जिले शाह के वाले सामने आए जिले शाह के वाले ने आकर अपने मुंह से कहा कि जनाब हमारे बेटे को पीटीआई के लोगों ने मारा है वो शख्स जिसकी गाड़ी के नीचे आकर वो बेचारा शहीद हुआ या फौत हुआ उस शख्स ने आकर अपना बयान दे दिया वो बयान मैंने आपको अपने व्लॉग में सुनाया लेकिन नहीं पीटीआई ने फिर उसके ऊपर ऊपर जो इल्जाम है वो नून लीग के लगा दिया फिर आप देखें कि ये जो मोहतरमा वो हैं एक शानदाना गुलजार उन्होंने भी थोड़े दिन पहले जो है वो कहा कि मैंने खुद मरियम नवाज की ऑडियो सुनी जिसमें वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि जनाब इसकी लाश के ऊपर से गाड़ी को गुजारो मतलब ये लोग ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं कि मुझे परवेज खटक का एक एक लफ्स ठीक लगता है जिसमें वो कहते हैं कि खान साहब हमें ये सिखाते थे कि आपने हैमर करना है हैमर का मतलब है हथोड़ा मारना यानी एक बात को इतनी बार दोहराना कि झूठ भी आपको सच लगने लगे तो जैसे इन्होंने जिले शाह की मौत के ऊपर ये सब कुछ किया आज ये इस शख्स के ऊपर भी इसकी मौत के ऊपर भी इसकी लाश के ऊपर भी सियासत कर है और मजे की बात यह है कि जो अभी तक मेरी खुद हद पैगाम लेकर आई है वो ये लाई है कि ये लोग सब कुछ खुद करवाते हैं खुद करवाते हैं और दूसरी जमातों के ऊपर इसका इल्ज़ाम धर देते हैं और ये सारी हरकत करने का मकसद है अवाम के सेंटिमेंट्स के साथ खेलना आवाम के दिमागों के अंदर जो है वो अपने लिए सिंपति पैदा करना दूसरों के लिए नफरत पैदा करना और नफरत को इस नहज पे ले जाना कि जाकर उनसे नौ में जो है वो आसानी से करवाया जा सके और यही नौ में जो है इसके लिए दोबारा से प्लानिंग शुरू हो चुकी है खान साहब चाहते हैं कि लोग बस इतना चार्ज हो जाएं कि मैं जिस वक्त ऑर्डर दूं तो फिर उस वक्त वो निकल भी जाएं और ये सब कुछ करें बाकी आवाम का अपना फैसला जी मेरा काम है जी आपको सच्ची खबर देना अब आप ये दो खातन की तस्वीर देख रहे हैं मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ आलिया हमजा और दूसरी है जी सदम जावेद ये कहती है कि जेल के अंदर हमने बहुत ही जुल्म सहे हैं और आपको अच्छे तरीके से याद होगा के खान साहब के आज तक जितने भी लोग जेल से बाहर निकले हैं उन सब ने एक ही बयान दिया है कि उनके नाजुक कजा के जीटे बांध कर उनके ऊपर तशद किया गया अब ये जो खातानी है इनके बारे में खान साहब ने खुद ही अपने मुंह से कहा था उनके बयान ऑन रैकेट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी इन खतन के साथ जेल के अंदर ज्यादती की गई है उसके बाद आपने देखा था कि वो डॉक्टर अनुज जो है वो गई थी उन्होंने जेल के बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने बताया था कि ये खातन की जेल है यहाँ पर मर्द हजरात दूर दूर तक जो है वो पर भी नहीं मार सकते तो खान साहब ने ऐसी बात कैसे कर दी अब ये वो खुत है जो अपने ऊपर इस बात की अब सिंपति लेंगी कि जेल के अंदर जितने भी दिन ये रही हैं इनके साथ कौन सी ज्यादा होती रही है अब ये जो सनम जावेद है जब इन्होंने कहा कि जी मच्छर हैं कीड़े हैं मारा जाता है पीटा जाता है बिस्तर नहीं दिया जाता बाल नोचे जाते हैं अब ये दोनों की हालत आप देख लें अदालत में जब ये पेश हुई तो एक ने जो है वो खान साहब का कुर्ता पहना हुआ था दूसरी के हाथ पे मेहंदी लगी हुई थी और बाकायदा तौर पे बाल इनके डाए हुए हुए थे प्रॉपर तरीके से इन्होंने पूरा जो है वो मेकअप किया हुआ था तो अंदर इनको इसका मतलब है क्रीमें भी पहुंच रही है इनको मेकअप भी पहुंच रहा है इनको कपड़े भी पहुंच रहे हैं इनको खाना भी पहुंच रहा है उसके बाद फिर इन बयाना के देने का क्या मकसद है वो आप लोग जानते हैं और अब बात कर लेते हैं उस वकील की जिसने बदतमीजी की लाहौर हाईकोर्ट के जज के साथ और फिर उसको छह माह की कैद की सजा हुई क्या कहानी है जरा ये भी सुन लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने कहानियां सुनाई होंगी लेकिन असल कहानी क्या है जरा मुलाजा फरमाइए ये जो शख्स है जिसने बदतमीजी की थी ये पेशे के अतबार तो से आपको पता यह वकील है और इसको एक लाख रुपए जुर्माना भी साथ में किया गया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एडवोकेट जाहिद महमूद गुराया को हाईकोर्ट के जज से बदतमीजी करने के ऊपर छः माह की कैद सुनाई और जेल भेजवाने का हुक्म भी दिया चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने बदतमीजी करने वाले वकील के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया और वकील की जानब से बार बार कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी करने की जो है उसको भी मुस्रद कर दिया जस्टिस सुल्तान तनवीर से बदतमीजी करने वाले वकील ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सामने हाथ भी जोड़ लिए और वकील जाहिद महमूद गुराया ने कहा कि मैं अदालत से माफी का तलबगार हूं मुझे सजा भी मिल जाए तो मैं फिर भी माफी का तलबगार हूं चीफ जस्टिस मलिक शजाद अहमद ख़ान ने साढ़े तीन घंटे से जायद की सवाद की और चीफ जस्टिस ने तीन गवाहों के बयान को कलम बंद किया जबकि प्रोसिक्यूटर के फ़रज़ जो हैं वो सैयद फरहाद अली शाह ने जो है वो अदा किए वकील जाहद महमूद गुराया ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाने दें शुगर का मरीज़ हूँ जिस पे चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने कहा कि आज कल हर कोई शुगर का मरीज है सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर बट ने भी वकील को माफ़ करने की इस्तदा की जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि सदर साहब माफ़ी अल्लाह से मांगे मैं कमजोर आदमी हूँ सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ने कहा कि हम जस्टिस सुल्तान तनवीर से जाकर माफ़ी मांगेंगे जस्टिस आ, आ, मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने कहा कि आपको जस्टिस सुल्तान तनवीर के पास जाने की जरूरत नहीं है मैं खुद बात कर लूंगा मैंने आइन के तहत हलफ उठाया है चीफ़ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान ने तमाम बकला को कमरा अदालत से बाहर जाने का हुक्म दे दिया और कहा कि मुझे सिर्फ अल्लाह का खौफ है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस सुल्तान तनवीर के रेफरेंस के ऊपर संवाद की और रेफरेंस में कहा कि अदालत मजकूरा वकील के खिलाफ तोहने अदालत की कार्रवाई जो है वह अमल में लाएगी और फाइनली जो है वो उनको पकड़ लिया गया लेकिन बात फिर वही है कि सहाफियों को सजा कब होगी जो झूठ बोलते हैं ये हामिद मीर टाइप के ये समी इब्राहिम टाइप के या ये जितने इमरान रियाज खान टाइप के इनको पकड़ते हैं फिर इनको छोड़ देते हैं फिर इनको माफिया मिल जाती हैं पैर भी पकड़ लेते हैं अभी मेरी इतलात ये है कि एक सहाफ़ी ऐसा भी है जिसके सामने जब उसके ट्वीट खोले गए तो उसका बाकायदा तौर पर यूरन निकल गया और वो आ, जो साहिब इकतदार हैं उनके पैरों में पड़ गया और सुनने में आया कि बेहोश भी हो गया उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सहाफ़ी कौन है तो शायद मैं आपको इजाजत मिल गई तो अगली दफा जो है उसका नाम बता दूं तो जनाब ये था आज का वीडियो बारिया जी आप लोगों की आइए कॉमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि आप इन तमाम खबरों के बारे में क्या सोचते समझते हैं जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए पर्सनली जवाब दूंगी मजदीद खबरें ब्लॉग्स इंटरव्यूज और सियासी तजिये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड जो हर के साथ भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह ने कबान